हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल से हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। ये हेयर स्टाइल मैंने मस्त मौली सीरियल की जो मौली है उससे इंस्पायर्ड होकर ये हेयर स्टाइल किया है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। बहुत ही ईजी सा ये हेयर स्टाइल है। पहले बीच में मांग करनी है, फिर फ्रंट के एक साइड वाले बालों को उठाकर तो पीछे क्लिप से क्लच करना, थोड़ा सा पफ जैसा लुक देकर, यानी कि बिल्कुल हल्का सा फुलाना है, और फिर दूसरी साइड में बिल्कुल उसी तरह क्लिप से आगे के बालों को पीछे कर लेना है और क्लिप से क्लच कर लेना। ये देखिए, अब बीच में मांग हल्की हल्की दिखती रहनी चाहिए। फिर साइड के थोड़े से बालों को, जैसे मेरा लुक अच्छा है मैंने ये निकाल लिए हैं, ये देखिए। फिर सारे साइड के बालों को पीछे की तरफ करके फिर मैंने साइड पर लाकर फिर ये चोटी कर लिए। अब इस तरीके से देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल से चोटी करना है और थोड़ा सा बालों को लूज छोड़ देना है ऊपर की तरफ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने चोटी कर लिया। फिर चोटी को अच्छे से रबड़ बैंड से बांध लिया है और फिर इस चोटी में थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे घींच देना है चोटी को जो बनाया है, ताकि फुला फुला लुक आए। ये देखिए इस तरीके से, तो मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मस्त मौली का लुक किस तरीके से मैंने किया है, बहुत ही ईजी था ये। तो अब चलिए नेक्स्ट हेयर स्टाइल की ओर। ये हेयर स्टाइल मैंने शिवांगी जोशी से इंस्पायर्ड होकर किया है। ये देखिए, ये हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है, ओपन हेयर स्टाइल है ये। यह किसी वेडिंग में भी आप करके जा सकते हैं। ये देखिए, पहले मैंने साइड में मांग किया था, फिर उसे मैंने ये साइड वाले बालों को ऐसे एक एक लेयर ले लेकर ट्विस्ट करके क्लिप से क्लच करते जाना है। फिर से मैंने एक लेयर लिया और फिर क्लिप से ये क्लच किया है इस तरीके से। देखें, इसी तरीके से मैंने तीन या चार बार मैंने यहाँ लेयर ले लेकर ट्विस्ट कर करके मोड़ते गई हूँ और फिर ऐसे क्लिप से क्लच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये साइड का हेयर स्टाइल मेरा ये रेडी हो गया है। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।